उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ के नए मुख्यालय और मजारी ग्रांट में बने अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण किया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा के समय हमेशा एसडीआरएफ सराहनीय है काम करता है। हमारे एसडीआरएफ जवान हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सरकार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रेस्क्यू कार्य करने वाले जवानों को विशेष भत्ता देगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ मुख्यालय और अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण करने के बाद कहा कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। चार धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और रेस्क्यू कार्य में एसडीआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे एसडीआरएफ के जवान हर विपरीत परिस्थिति से निपटने को तैयार रहते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा 144 करोड़ की लागत से एसडीआरएफ भवन का निर्माण किया गया है। अभी पहले फेज का काम पूरा हो चुका है, दूसरे फेज का काम जल्दी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रेस्क्यू करने वाले जवानों को विशेष भत्ता देने की घोषणा की और महिला एसडीआरएफ कंपनी स्थापित करने की भी बात कही। जो एसडीआरएफ मुख्यालय के इस भवन का, जिसमें दो बड़ी योजनाएं लोकार्पित हुई हैं, इनके लोकार्पण से निश्चित रूप से एसडीआरएफ वैसे भी बहुत अच्छा काम तमाम आपदा के समय में उन कठिन परिस्थितियों में लगातार करती रही है, और इसके लोकार्पित होने से एक अच्छा स्थान यहाँ पर हो जाएगा, और जिससे समय समय पर अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे प्रशिक्षण के कार्यक्रम, और भविष्य में ये लगातार ये ट्रेनिंग सेंटर ये लगातार चलता रहे। इन भवनों का जो लोकार्पण हुआ है, ये हमारे साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी आपदा के और अन्य जो हमारे जोखिम भरे समय होते हैं, उनके एक संस्थान के रूप में काम करेगा। हम लोग इस दिशा में इस पर काम करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हाथ।